चलिए आज से हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। आज तक मैंने 250 वीडियो अपलोड कर लिए हैं, जिसमें ज़्यादातर आपको ओपनिंग सीखने को मिलेगी। बहुत सारी ओपनिंग्स के बारे में डिस्कस कर लिए, लेकिन ओपनिंग के बाद ओपनिंग ट्रैप भी देखना जरूरी है। बहुत सारी ओपनिंग ट्रैप्स है, तो ओपनिंग ट्रैप्स के बारे में मैं लगातार आपको अभी, जैसे कि मान लो एक सीरीज बना रहा हूँ ओपनिंग ट्रैप्स के बारे में। तो कौन सी ओपनिंग फेमस है, सिसिलियन है, कैरोकान है, फ्रेंच डिफेंस है, E4 E5 वाली किंग्स ओपनिंग है, किंग्स पॉन ओपनिंग, किंग्स गैम्बिट, फिर किंग्स इंडियन डिफेंस, बहुत सारी ओपनिंग्स है दोस्तों, डच स्टोन वॉल। तो जैसे इसके नाम भी, अनगिनत नाम भी है चेस में, 700 से ज़्यादा ओपनिंग्स है। तो सभी ओपनिंग्स में कौन सी ट्रैप्स होती है, ये जाननी हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले बिगिनर्स लेवल की ट्रैप्स में आज दिखाने वाला हूँ आपको, जो वर्ल्ड की सबसे शॉर्टेस्ट गेम मानी जाती है, व्हाइट प्लेट E4 ब्लैक प्लेट सॉरी ओके यहाँ पे वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट गेम सिर्फ दो मूव की गेम है। बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, आज हम देख रहे थे। व्हाइट F4 खेलता है, हालांकि ओपनिंग प्रिंसिपल में किंग वाला डायगोनल खोलना अच्छा नहीं है। यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देता है E5, उसके बाद सेकंड मूव अगर व्हाइट फुल स्लीव मूव करता है G4, तो यहाँ पे मेट इन टू क्वीन टू H4 चेकमेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों ने देखी भी होगी, बहुत सारे लोगों ने मतलब। चलिए दूसरी जो एक ट्रैप है, यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंच डिफेंस के बारे में। E4 E6 फ्रेंच डिफेंस में जो वेल नोन ओपनिंग है D4 D5 और E5, ये एडवांस वेरिएशन। एडवांस वेरिएशन में भी एक ट्रैप है, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, लेकिन जिस लोगों ने नहीं देखी वो आज देख ले। ब्लैक यहाँ पे ट्राई करता है सेंटर ब्रेक करने के लिए C5, व्हाइट रिप्लाई देगा C3, पॉन को सपोर्ट करेगा ब्लैक, उस पर अटैक बढ़ाएगा Knight to C6, और व्हाइट इस पॉन को सपोर्ट बढ़ाएगा Knight F3, और ब्लैक यहाँ पे Qb6 पॉन पे और एक और अटैक। अब देखो दोस्तों, तीन अटैक हो चुके हैं, तीन सपोर्ट भी है व्हाइट को। व्हाइट यहाँ पे एक ट्रैप बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, कैसे? तो यहाँ पे व्हाइट खेलेगा Bd3, एक सपोर्ट जो क्वीन का है वो हमने हटा दिया, और यहाँ पे हमारी टैक्टिकल जो है डिस्कवर वो बनी। यहाँ पे ब्लैक सोच रहा है कि एक पॉन का सपोर्ट कम हो गया तो हम पॉन मार सकते हैं, पॉन टेक्स पॉन, अभी तक तो सही है। मेन बुक लाइन में जो लोग फ्रेंच डिफेंस खेलते हैं वो कभी ये ट्रैप में नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये प्रीपेड लाइन होती है, वेल प्रीपेड। मेन लाइन है Bd7, लेकिन यहाँ पे अगर ब्लैक ने नाइट टेक्स पॉन कर दिया तो यहाँ से ब्लैक लॉस हो जाएगा, कि तुरंत इमीडिएट लॉस है। कैसे? आफ्टर नाइट टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स नाइट, देन Bb5 चेक विद डिस्कवर अटैक, आपको क्वीन मिल रही है। तो ये है फ्रेंच डिफेंस की ट्रैप, यहाँ पे क्वीन अनसपोर्टेड है, तो ये सिंपल। दोस्तों ये थी वेल नोन ओपनिंग की ट्रैप, बहुत सारी ओपनिंग की ट्रैप मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारी ट्रैप्स आपको जानने को मिलेगी। ओपनिंग भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आगे भी बनाता रहूँगा, और मिडल गेम एंड गेम के बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, देखेंगे। तो टोटली कोर्स सीखना है तो मेरी चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। चलिए अभी देखते हैं एक नॉर्मल, हम लोग बच्चों को बताते हैं कि E4 और E5 ये किंग पोन ओपनिंग है, बेस्ट ओपनिंग है। वाइट के लिए Knight F3 ये बेस्ट हो, इसके ऊपर अटैक करना। अब सबसे बैड मूव कौन सा होता है? नॉर्मल मूव तो Knight C6 होना चाहिए, या फिर हम D6 पर्क डिफेंस खेल सकते हैं, फिलीडोर, और बस ये ज्यादा, या फिर Bc5 आप अग्रेसिव खेलना चाहते हो तो। F6 ये सबसे ब्लंडर मूव, किंग वाला डायगोनल शुरुआत से ओपन करना ज्यादा अच्छा नहीं है। अब इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले ही मूव में आप सेक्रीफाइस कर दीजिए Knight x E5। अब देखो पॉन टेक्स नाइट, उसके बाद क्वीन H5 चेक। अब ब्लैक के पास सिर्फ दो ऑप्शन है,
एक तो है G6, G6 करने में ब्लैक को अपना रुक लॉस होना पड़ेगा, और दूसरा जो है King E7, तो King E7 में ब्लैक की चेकमेट होगी। अब दोनों ट्रैप कैसे है, मान लो कि ब्लैक ने यहाँ पे G6 किया, तो सिंपल आप Qxe5 Qe7 देन Qx रुक, तो यहाँ पे आप रुक प्लस हो जाते हो। ओके, G6 के बदले अगर ब्लैक ने King E7 खेला, तो यहाँ कंटिन्यूस चेक आके आप तुरंत मेट कर सकते हो, जैसे कि Qe5 चेक। अब किंग के पास एक ही ऑप्शन है, सारे मूव फोर्स हो गए, देखो सारे मूव फोर्स, एक भी मूव अलग नहीं होगा इसमें, आप जैसा बोलोगे सही ब्लैक को खेलना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप C4 चेक, King G6 ओनली ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ खेलेंगे Qf5 चेक, अब किंग के पास ओनली ऑप्शन है H6, यहाँ पे D3 और ये डिस्कवर चेक, तो इसे बचाने के लिए ओनली ऑप्शन है G5, और यहाँ पे एक वेटिंग मूव आपको करना है Pawn2 H4। अब नेक्स्ट मूव में पॉन टेक्स पॉन या बिशप टेक्स पॉन और सिंपल गेम विनिंग है। ब्लैक इसे रोकने का ट्राई करेगा, बिशप से सपोर्ट कर लिया मान लो कि, तो यहाँ पे पॉन टेक्स G5 डबल चेक, किंग के पास एक ही ऑप्शन है King G7 और फाइनल मूव Qf7 चेक। तो दोस्तों ये थी चेस ओपनिंग ट्रैप, तो ट्रैप के बारे में और भी आगे मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। ओके, फिलहाल हम एक और भी देख लेते हैं, बच्चे लोग जो चार मूव में चेकमेट करते हैं बहुत आनंद आता है उनको, कोई भी बच्चा होता है छोटा बच्चा, उसको आप खिला चेस खेलने सिखा दो और उसे इंटरेस्ट लाना है, तो आपको उसे स्कॉलर मेट सिखा देनी चाहिए। स्कॉलर मेट में आज आपको बता देता हूँ, स्कॉलर मेट में क्या होता है दोस्तों, ओके स्कॉलर मेट देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों, छोटे बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आएगा और उसको आप बताओगे कि आप मेरी चेकमेट कर दो, जैसे कि पहला मूव E4 E5, उसके बाद Qh5 E5 पॉन पे अटैक, ब्लैक उसे डिफेंस करेगा Nc6, उसके बाद Bc4 मूव नंबर 3 Bc4, ब्लैक आपके किंग क्वीन पे अगर Nf6 से अटैक करने जाता है तो सिंपल ये है Qf7। तो ये ट्रैप थी बिगिनर्स के लिए, छोटे बच्चे के लिए। तो मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिगिनर्स है, वो ऐसा ट्राई कर सकते हैं खेलने के लिए स्कॉलर मेट। हालांकि मैं एडवांस प्लेयर के लिए मना करूंगा, कोई भी ट्रैप है ओपनिंग ट्रैप, आप ज्यादातर एडवांस प्लेयर है तो ट्राई मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी हायर रेटेड प्लेयर है उसे सब कुछ पता होता है, वो कैसे आपके ट्रैप में आएगा। हाँ, कोई नई चाल नई ट्रैप आप ढूंढ के लाते हो, जैसे मेरे बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और उसके बारे में सामने वाले को पता नहीं है, तो आपको उसको फायदा होगा। जैसे हम लोग सिगोरिन डिफेंस के बारे में बात करें, तो सिगोरिन डिफेंस में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बहुत ही सक्सेसफुल गेम है, जो क्वींस गैम्बिट के सामने बहुत ही जबरदस्त खेला जाता है। D5 देन C4 और सेकंड मूव जो Nc6 है। अब ये ओपनिंग आप किसी हायर रेटेड के सामने ट्राई करोगे तो बिल्कुल सक्सेस जाओगे, क्योंकि इसका प्रिपरेशन अपोनेंट को नहीं होता है, टॉप प्लेयर को बहुत होता है लेकिन बहुत कम होता है, ज्यादातर जो फेमस लाइनें हुए उसी के ऊपर उन लोगों का फोकस होता है, तो उनको आप ऐसे ही बीट कर सकते हो कोई अननोन लाइन खेल। और दोस्तों चैनल में आपको लगातार बहुत सारे ओपनिंग ट्रैप्स में दिखा दूंगा, बीच बीच में हम ओपनिंग भी सीखेंगे, मिडल गेम भी लेते जाऊंगा, एंड गेम भी सीखूंगा, तो ये सब कुछ सीखने के लिए खास जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए उसे लाइक करो, हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर जरूर करो, कॉमेंट भी कीजिए ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने का उत्साह रहे। चलिए जल्दी मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।